नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट 24, आईना सच का। मैं आपके साथ एनी वर्मा। आइए रूबरू करवाते हैं देश की कुछ खास खबरों से। हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और गन्नौर के विधायक कुलदीप शर्मा ने कहा है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को कुचलने और आतंकवादियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए देश के प्रधानमंत्री कोई भी सख्त कदम उठाते हैं तो उनकी पार्टी अलग विचारधारा के होते हुए भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री के साथ है। और उसके साथ साथ इस कायराना हमले की घोर निंदा की। हम और माननीय प्रधानमंत्री अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टी से हैं, लेकिन एक ऐसा राष्ट्रीय संकट है जिसमें विचारधाराओं का नहीं देश की एकता का सवाल है। इसलिए हम सब कांग्रेसजनों ने आज इस नारे के साथ के पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा तो हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। कुलदीप शर्मा अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। कुलदीप शर्मा ने भारत सरकार द्वारा अलगाववादियों की सुरक्षा वापस लेने के कदम की भी सराहना करते हुए कहा कि जो लोग उनके देश का राशन खाकर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए, ये किसी भी सूरत में सहन करने लायक नहीं है और केंद्र सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही है। इस आतंकवाद की घटना से निमटना चाहें, हम उनके साथ इस कदम की सराहना करता हूं। वो लोग जो भारत की भूमि पर बैठकर भारत को विभाजित करना चाहते हैं, भारत के अभिन्न अंग कश्मीर को अलगाववाद की तरफ धकेलना चाहते हैं और सुरक्षा के अंदर भारत की सरकार करोड़ों रुपए उनकी सुरक्षा में खर्च करे, ये कतई सहन नहीं हो सकता। सरकार ने सही कदम उठाया है। ऐसे अलगाववादियों को जनता के सामने, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और आतंकवादियों से उनको भय लगता है, उनकी सुरक्षा और शरण भारत की सरकार दे, ये बात ठीक नहीं। ठीक किया देखिए। कल विधायक कुलदीप शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार का उनको निमंत्रण आया था कि 17 फरवरी को भारत के महामहिम राष्ट्रपति उनके विधानसभा क्षेत्र में किसानों के सम्मेलन में आ रहे हैं और आपको आना है। यहाँ का स्थानीय विधायक होने के नाते मैं कार्यक्रम में गया और राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं सरकार के इस कदम की भी सराहना करता हूँ कि उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर एक बहुत बड़ा एग्री लीडरशिप समिट किया। इससे किसानों को आधुनिक तकनीक की जानकारी मिली होगी और किसानों को इसका फायदा मिलना भी चाहिए। गन्नौर की पावन पवित्र भूमि पर आने पर उनका स्वागत किया और इस बात की भी सरकार की सराहना की कि सरकार ने एग्री लीडरशिप समिट के लिए गन्नौर को चुना। विधायक ने कहा कि किसानों को उसकी फसल का अच्छा भाव दिलाने और उसको फसल बेचने के लिए जो प्लेटफॉर्म देने के लिए कांग्रेस सरकार ने टेहा के पास 537 एकड़ में इंटरनेशनल बागवानी मंडी बनाने की आधारशिला रखी थी, उसे इस सरकार ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में मंडी के निर्माण का कई बार उन्होंने मामला उठाया, लेकिन सरकार से एक ही जवाब मिलता है कि जल्द ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब इस सरकार के जल्द जाने का समय आ गया है, अब ये मंडी के लिए क्या जल्दी करेंगे। 2013-14 में ये 537 एकड़ का नेशनल कैपिटल रीजन का सबसे बड़ा लैंड पूल जो अधिकृत किया गया था इस इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर टर्मिनल मार्केट के लिए, उसमें एक ईंट भी नहीं लगी इसके उद्घाटन के बाद, जब श्री राहुल गांधी ने कांग्रेस की सरकार में किया था। आज 4.5 साल हो चुके हैं, आज इस सरकार के जाने का समय है। अब तक कुछ इस चुनावी वर्ष में क्या कर पाएंगे, अगर इस मंडी का निर्माण किया जाता तो इस क्षेत्र की इकोनॉमी आगे बढ़ती, इस प्रदेश के किसान और खासकर गन्नौर और इसके आसपास के जो किसान थे वो इस मंडी से लाभान्वित होते, एक एग्री इकोनॉमी को बूस्ट मिलता। साथ में फसलों का विविधीकरण करना चाहती है सरकार, चाहती है कि फ्लड इरिगेशन की क्रॉप्स को ना बोके फल फूल और सब्जियों की तरफ सरकार जाए, किसान जाए, तो उसके लिए एक मार्केट प्रोवाइड करने की जरूरत है और वो मार्केट यहाँ बननी चाहिए थी।
सरकार विविधीकरण की बात करती है, मार्केट कोई है नहीं। तो इस बात के ऊपर मैंने कड़ा विरोध भी कल जताया था आपके मीडिया के माध्यम से कि भले ही ये कार्यक्रम हो रहा है, राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन इस बात की आलोचना भी करेंगे कि सरकार ने गन्नौर की इस इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर फ्लावर एंड वेजिटेबल मार्केट को आगे बढ़ाने की बजाय इसको आज तक इसके विकास के लिए कदम नहीं उठाए, इस चीज़ की घोर भर्त्सना भी की थी। मैं 3 बार विधानसभा में प्रश्न को उठा चुका हूँ, हर बार कृषि मंत्री और हरियाणा सरकार का जवाब ये है कि जल्दी इस पर कार्रवाई हो, लेकिन वो जल्द कब आएगा? अब तो इनके जाने की जल्दी आ रही है, अब तो पता नहीं कब कार्रवाई हो।